हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर शो ट्रेड फॉर टुमारो। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ हम डिस्कस करते हैं एक मोमेंटम स्टॉक के बारे में। आज भी हम डिस्कस करेंगे एक मोमेंटम स्टॉक जो कि दे सकता है एक से दो ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छे रिटर्न्स। बट बिफोर दैट बात करते हैं आज मार्केट के आउटलुक की। तो गाइज, आपने जैसे कि मॉर्निंग से हम सभी ने देखा है, आज के ट्रेडिंग सेशन में एक जबरदस्त करेक्शन जो है मार्केट के अंदर बना हुआ है। निफ्टी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 2% की गिरावट, वही बैंक निफ्टी के अंदर भी जो है ऑलमोस्ट 3% का जो है वो डाउनफॉल देखने को मिला है। अगर ओवरऑल मार्केट के आउटलुक की बात करें तो जिस तरीके से 17,600 काफी इंपॉर्टेंट लेवल था, मार्केट ने उसको ब्रेक करके बिलो दैट लेवल ही जो है एट प्रेजेंट ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के लेवल्स को ब्रेक किया है और जिस तरीके से मोमेंटम जो है वो डाउनसाइड का मार्केट ने पकड़ा हुआ है, डाउनसाइड में जो इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 17,200 के आसपास में है और मार्केट वो लेवल्स एक बार टेस्ट कर सकता है। वहीं बैंक निफ्टी के अंदर भी जो है वो गिरावट जो है कुछ और कंटिन्यू हो सकती है। आज के ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें स्पेशली, तो ऑलमोस्ट सारे ही इंडाइसेस जो है वो डाउनसाइड मोमेंटम के साथ में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी के अंदर जो है वो वन साइड गिरावट बनी हुई है, बट स्टिल कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो मार्केट में आज भी बना हुआ है। टेलीकॉम सेक्टर न्यूज के कारण जो है वो रैली में है, अपसाइड का मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं FMCG काउंटर्स के अंदर भी कुछ स्टॉक्स जो है वो कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। आज का जो स्टॉक हम यहाँ पर रिकमेंड करने जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं डिफेंसिव मूड में ट्रेड करता हुआ मॉर्निंग ट्रेडिंग सेशन से ही दिख रहा है और एक पॉजिटिव साइड का मोमेंटम जो है वो होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो कि FMCG काउंटर से है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर डाबर। जी हाँ, डाबर एक ऐसा चार्ट जो कि पिछले कुछ दिनों से जो है वो गेन होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है, एक अपवर्ड मोमेंटम जो है मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। ऑल्दो आज के ट्रेडिंग सेशन में भी जहाँ निफ्टी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 350 पॉइंट्स का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, वहां पर डाबर जो है करीब आधे से 1% के पॉजिटिव साइड मोमेंटम को होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है और अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं चार्ट्स पर किस तरीके के पैरामीटर्स यहां पर नजर आ रहे हैं। तो गाइज, आप देख सकते हैं ये एक शॉर्ट टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये आली चार्ट यहां पर हम दिखा रहे हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल फॉर्मेशन यहां पर बनता हुआ नजर आया है और अपर बैंड का यहां पर ब्रेकआउट देकर डाबर जो है वो अप साइड में होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ में अगर आज के ट्रेडिंग सेशन के वॉल्यूम की हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं आर्ली चार्ट पर जो है वो ग्रेजुअली वॉल्यूम जो है वो अपवर्ड मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आ रहा है, प्लस स्टोकास्टिक के अंदर भी जो है वो पॉजिटिव क्रॉसओवर एक होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से फॉर्मेशन यहां पर बना हुआ है सिमेट्रिकल ट्राइंगल का और ये ब्रेकआउट जिस तरीके से कंफर्म यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, हमें लगता है एक से दो ट्रेडिंग सेशन के अंदर डाबर के अंदर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं हम डेली चार्ट की, डेली चार्ट पर किस तरीके का मोमेंटम है और क्या फॉर्मेशन बन रहे हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये है डेली चार्ट स्क्रीन पर और यहाँ पर जिस तरीके का मोमेंटम है लास्ट 3 to 4 days से जो है वो अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, प्लस ये रेड कलर की जो एक लाइन आ रही है आज के ट्रेडिंग सेशन में, ये मार्केट जो है इस रेड लाइन के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है जो कि एक 100 days का मूविंग एवरेज है। जी हाँ, एक 100 days के मूविंग एवरेज के ऊपर फाइनली आज के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे एज कम्पेयर टू लास्ट डेज और एज कम्पेयर टू प्रायर डेज के वॉल्यूम के कंपेरिजन में आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम चार्ट्स पर नजर आ रहा है, प्लस पैराबोलिक्स आर भी कहीं ना कहीं जो है वो पॉजिटिव मोमेंटम को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टोकास्टिक की अगर हम बात करें तो अगेन यहां पर भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर यहां पर बना हुआ है और प्राइस जो है वो अप्रोक्सीमेटली 60 के लेवल के ऊपर सस्टेन करती हुई नजर आ रही है। तो स्टोकास्टिक भी पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, वॉल्यूम सपोर्टिव है, प्लस 100 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर आज फाइनली प्राइस जो है वो सस्टेन करते हुए नजर आ रहे हैं। बेस्ड ऑन दैट हमें लगता है यहां पर डाबर के अंदर 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन, 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यहां पर हम बाय के लिए डाबर को आज के ट्रेडिंग सेशन में रिकमेंड करेंगे। करंट मार्केट प्राइस अप्रोक्सीमेटली 612 के आसपास में चल रहा है, तो करंट मार्केट प्राइस से इसको बिल्कुल यहां से बाय करना है। स्टॉप लॉस जरूर डाउन साइड में एक रखना होगा, वो रहेगा 595 का। 595 के स्टॉप लॉस के साथ में करंट मार्केट प्राइस से डाबर बाय करना है फॉर द अपसाइड टारगेट ऑफ 637 एंड नेक्स्ट टारगेट वुड बी 650। ये दो टारगेट के लिए यहाँ पर बाइंग के लिए डाबर को रिकमेंड करेंगे। तो कैश मार्केट में डाबर 612 के आसपास बाय कीजिए 595 के स्टॉप लॉस के साथ, 637 एंड 650 दो टारगेट के लिए। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।